बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज़ कुकिंग सीक्रेट्स, वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आपने लास्ट तक मेरी वीडियो देखनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फिर आपने लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक करना है। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी और आसान सी डिशेज़ देखने को मिलती रहें। मैंने 1 kg मटन लिया है, इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, आप ग्राम्स में ले लें तो 100 ग्राम मैं इसमें दही शामिल करूंगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। सफ़ेद मिर्च मैंने ली है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर है, ये इसमें डाल देंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मटन को हम मैरिनेट कर लेंगे। मटन की मैरिनेशन हो गई है, ये तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी कुकिंग कर सकते हैं अगर आपके कोई गेस्ट आने हों, लेकिन मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। चलें आधे घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं। व्यूअर्स, मटन मैरिनेट करके मैंने रख लिया। अब मैं आपको बाकी कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। प्याज मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के लेके इनकी बारीक कटिंग कर ली है। बादाम मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं, और इसी तरह काजू मैंने, ये भी 3 टेबल स्पून के करीब हैं। इन दोनों का हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा क्रीम जाएगी इसमें, आप हसबे ज़रूरत क्रीम ले सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, मैंने ये 1 पैकेट लिया है। इसके अलावा दूध है 1/2 कप, और ये थोड़े खड़े मसाले मैंने लिए हैं, इसमें काली मिर्च तकरीबन 15 अदद काली मिर्च हैं, लौंग 6 से 7 हैं, दालचीनी की मैंने छोटी छोटी 3 स्टिक्स ली हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 ये तेज़पात है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें इसमें 4 अदद ली हुई हैं। चले आएँ कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक ब्लेंडर लें, इसमें ये पेस्ट तैयार करने के लिए मैं बादाम डालूँगी, इसी तरह ये काजू ले लें और इसमें ये दूध डाल दें जो हमने लिया हुआ है। अब इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट रेडी हो गया, ये देखें इस तरह मैंने काजू और बादाम का पेस्ट तैयार कर लिया। अब इसको मैं साइड में रखूंगी और बाकी की कुकिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। कुकिंग पैन मैंने लिया है, इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप ऑयल डालूंगी, और इसमें जो हमने गरम मसाला लिया था ये डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो गया, अब इसमें मैंने ये जो प्याज कटिंग करके रखा हुआ है ये डाल देंगे। प्याज को हमने इसमें सिर्फ सौते करना है, इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि कलर चेंज हो गया तो फिर वाइट कढ़ाई नहीं बनेगी। कोशिश करें कि इस तरह आप फ्राई करें ये बिल्कुल वाइट रहे। ये देखें प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें जो गोश्त मैंने मैरिनेट किया था वो इसमें डाल दूंगी। मटन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है 5 से 6 मिनट, ताकि इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई होकर ख़त्म हो जाए। गोश्त फ्राई हो गया है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें 1 गिलास हम पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डालने के बाद मैं कुकर बंद कर दूंगी और 10 मिनट तक इसको वेट दूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। अब इस पर लिड लगा देंगे हम, और साथ ही मैं वेट रख दूंगी। जैसे ही वेट हिलने लगेगा टाइम नोट कर लें, 10 मिनट तक कुकिंग करें तो गोश्त बेहतरीन गल जाता है। 10 मिनट हो गए हैं कुकर को चलते हुए, अब मैं इसकी स्टीम सारी निकाल लूँगी, फिर इसे खोल के चेक करते हैं। गोश्त बेहतरीन गल गया, अब मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी जो इसमें पानी बचा है। अब ये जो 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली थी ये इसमें ऐड कर देंगे। पानी खुश्क हो गया इसका अच्छी तरह से गोश्त का। अब इसमें ये जो हमने पेस्ट बादाम की तैयार की थी वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के
ये जो अंदर सारा मिक्सचर लगा हुआ है बादाम का, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। क्रीम का पैकेट इसमें डाल दें। अब ये भी अच्छे से मिक्स कर लें अंदर। अब इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट पे मैंने इसको दम पे रखा हुआ था। अब ये देखें, इसने घी छोड़ दिया। फ्लेम में बंद कर दूंगी। वाइट मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है हमारी। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, वाइट मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आसान और अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।